नांदेड़ शहर के बीचों बीच हनुमान टेकड़ी परिसर में हार्डवेयर कारोबार करने वाले आशीष पाटी पर गोली मारने की घटना सामने आई है। हार्डवेयर का कारोबार करके आशीष पाटी रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद करने के बाद घर की ओर जाते समय दो अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए बीच रास्ते में तीन गोलियां दागी, जिसमें पाटी के पैर में तीन गोली लगी है। घायल को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। अज्ञात दोनों हमलावर गोली मार कर भाग गए। संदिग्ध आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक संजय जाधव इस घटना की जानकारी लेते हुए पुलिस को पकड़ने के लिए आदेश दिए हैं। हार्डवेयर कारोबारी आशीष पाटड़ी पर किसने हमला किया और इसके पीछे हमला करने का मकसद क्या है, किसने करवाया, यह देखने में पुलिस जुटी है। इस संगीन घटना को लेकर शहर के बाजीराव बाद पुलिस थाने में दो पर मामला दर्ज किया गया है। इस घटना की तफ्तीश पुलिस निरीक्षक संदीप शिवले कर रहे हैं। कल रात 9:15 के करीब जूनामुंडा में रहने वाले आशीष पाटनी करके वो अपने घर मोटरसाइकिल पे घर जा रहे थे। उस समय पीछे से मोटरसाइकिल पे दो आदमी आए और उन्होंने उनके पैर के ऊपर गोली फायर करके वो भाग गए। कितनी गोली फायर हुए सर? तीन राउंड फायर हुए पैर में। सर ये शहर में दूसरी दो बार जो दूसरी घटना है हो चुकी है सर, इसके ऊपर अब पुलिस का कुछ पाबंद? ये जो घटना घटी है उनके बड़े भाई का कुछ आर्थिक लेन देन का इशू था, उसकी वजह से हो सकती है ऐसा उन्होंने डाउट जताया है, उसके बारे में जांच चल रही है।